अयोध्या का जो भाई है रुक्मी द्वेष करता है कृष्ण से, द्वारिकाधीश से। हमारे द्वारिकाधीश भगवान अपना रथ तैयार करके श्री कात्यायनी मंदिर पर जाकर के, सैनिक तो हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, लेकिन आज कृष्ण की वो दिव्य छवि को देख करके, उस परमात्मा के परम आनंद को देख करके सारे सैनिक मोहित हो गए हैं। सैनिक भेजे गए हैं और हमारे द्वारिकाधीश ने रुक्मणी मैया को अपने रथ में आरूढ़ किया है, बैठाया है और चल दिए हैं द्वारिका की ओर। पीछे से रुक्मी आता है। अब तो कृष्ण बड़े संशय में है कि बहन के सामने अगर मैं उसके भाई को मारूंगा तो क्या होगा। तो श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर है रुक्मी तो शांत किया है श्री कृष्ण ने। दो चार रख दिए। अब रुक्मणी कहती है कि आप मारोगे इसको। तो बंधुओं, रुक्मणी के कहने पर हमारे द्वारिकाधीश ने छोड़ दिया है उस रुक्मी को, अपने साले को, और गए हैं द्वारिकाधीश की ओर। सुंदर विवाह श्री नारायण का, श्री द्वारिकाधीश का कुंदनपुर में उनके पिता द्वारा किया जाता है। बोलिए रुक्मणी मंगल की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। पूरा कुंदनपुर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कृष्ण अपनी बारात लेकर के द्वारिकाधीश से कुंदनपुर जाकर के श्री रुक्मणी मैया से विवाह। श्री रुक्मणी मैया से एक बालक पुत्र होते हैं उनके, उनका नाम है प्रद्युम्न। और एक राक्षस है समरासुर, उसको श्राप मिला हुआ है कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। अब माया भी राक्षस है समरासुर, जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे
वो बच्चा जो है प्रतिदिन सीधे उस मछली के पेट में जाता है। अब